परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने एवं 700 निजी बसें हायर किए जाने के विरोध में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने जींद में रोडवेज का चक्का जाम किया। रोडवेज का चक्का जाम करते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट 2017 के तहत किसी भी बस, कार, बाइक आदि की ड्राइविंग के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसमें सजा जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा अगर 3 बार एक्सीडेंट हो जाता है तो लाइसेंस रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। इस एक्ट को लेकर रोडवेज बस चालकों समेत सभी वाहन चालकों को परेशानी ना हो, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठे मंत्री मुर्दाबाद, 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 झूठा सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की जो हमारी यूनियन है, जो सरकार राज्यसभा में ट्रांसपोर्ट एक्ट 2017 को पास कराने का असफल प्रयास कर रही है, उसके विरोध में साथ में हरियाणा की सरकार 2 कदम आगे जाते हुए जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज के अंदर 700 प्राइवेट गाड़ियां हायर करने का फैसला ले रही है, उसको रद्द करवाने के लिए ये हड़ताल हमारी केवल आज एक दिन की हड़ताल है। इस विषय में यदि हरियाणा की सरकार ने या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किसी डिपो के अंदर विभाग के उच्च अधिकारियों ने कोई अलोकतांत्रिक कदम उठाने का प्रयास किया तो रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति शाम को आपात मीटिंग करके वो फिर सोच विचार करेगी। फिलहाल स्ट्राइक हमारी एक दिन की है, आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे, हरियाणा की वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की भांति जनता जनार्दन की मेहनत और कमाई से खड़े किए गए परिवहन विभाग को अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरमायेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस विभाग का तालाबंदी करना चाहती है। बता दें, आज सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रोडवेज बसों का चक्का पूरी तरह जाम रहेगा। अगर सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में भी तब्दील हो सकती है। हिंद एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।